हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्लीव की कटिंग। सिंपल स्लीव बताऊँगी, बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी। और कई बार क्या होता है कि जो स्लीव का ऊपर शेप देते हैं हम, वो नहीं लग पाता है। हाथ से तो मैं आराम से फ्री हैंड लगा सकती हूँ, पर कई बार बिगनर से नहीं लगता है। तो इस तरीके का आपके पास आर्मोल स्केल या फिर कोई भी गोल चीज़ आप ले सकते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। तो इससे ही लगा के बताऊँगी आज मैं आपको। तो ये कपड़ा है मेरा, और स्लीव को आप लंबाई में भी बना सकते हैं, कपड़े की चौड़ाई में भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो जितना मेरे को चौड़ाई में चाहिए, सबसे पहले तो उतना फोल्ड कर लूँगी मैं। तो जितना मुझे कपड़ा चाहिए था, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। और ये बता दूँ मैं आपको, 4 फोल्ड में पड़ा है, 1, 2 और 2 लेयर ये वाली है। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ इस तरीके से। लंबाई में आपको बता देती हूँ, जो लंबाई है वो हमारी जो कोनियाँ होती हैं वहाँ तक रहेगा, तो वो 10.5 इंच है। पर मैं यहाँ पे 12 इंच लूँगी, क्योंकि नीचे फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे 1/2 इंच, और यहाँ से लेंथ, यहाँ से बॉटम जो है वो है 13 इंच, मतलब पूरे राउंड में 13 इंच है। तो उसका 1/2 6.5 हो जाता है। यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लूँगी, और ये 1 इंच मार्जिन का। तो अभी इसमें शेप लगाने के लिए मैं कुर्ती उठा लूँगी इस तरीके से, और इसका आर्मोल का नाप ले लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे, जो कि शोल्डर में दबेगा, और फिर इस तरीके से हम जो है नाप ले लेंगे अपने आर्मोल का। तो ये 8.5 आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से, सबसे पहले तो 3 इंच या फिर 3.5 इंच या 3.25 इंच, ये आपको इस तरीके से डाउन लेना ही है, नीचे निशान लगाना है। इनको मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से, मैंने सीधा कर लिया। अब जैसा मैंने कुर्ती पे नापा था आर्मोल, तो वो 8.5 आ रहा था। तो इस तरीके से आपको रखना है, और यहाँ पे 8.5 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और यहाँ पे गोलाई देंगे। पहले आप अगर फ्री हैंड में, तो क्या करती हूँ, फ्री हैंड भी इस तरीके से लगा लेती हूँ, पर कई बार नहीं लगाते। तो मैं आज इससे आर्मोल स्केल से लगा के बताऊंगी। सबसे पहले तो इसको सीधा कर ले, इस तरीके से निशान देना है। अब इसके बीचों बीच एक निशान लगाना है। तो ये 4.25 इंच पे एक बीचों बीच हमने निशान लगाया। अब ये आर्मोल स्केल का यूज़ कैसे करना है ये देख लें। ये इस तरीके से आप रखेंगे, ये देखिए मैंने किस तरीके से रखा हुआ है। तो ये निशान पे और यहाँ पे निशान पे इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से। और अब स्केल को ऐसे कर ले, अब यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से शेप लगा ली। इसको मैं सीधा कर लूँगी यहाँ से। यहाँ पे हम फ्रंट का निशान भी देंगे, शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये फ्रंट का निशान काटने के लिए इस तरीके से कर लें स्लीव को, 2 लेयर को पकड़ना है आपको, और इस तरीके से कर लेंगे। प्लेन कपड़ा है तो आप क्या करें, उल्टी साइड पे इस तरीके से क्रॉस पे लगा लें दोनों स्लीव पे, मतलब ये सीधा सीधा दोनों अंदर है, तो ये उल्टा है ऊपर वाला, तो इसके नीचे वाला भी उल्टा ही होगा, तो ये दोनों उल्टे हैं। तो इस तरीके से मैं निशान लगा लिए, ताकि सीते वक्त भी हमें पता रहेगा। बिगनर्स से क्या गलती हो जाती है कि ये जो फ्रंट का हम काटते हैं उनको समझ में नहीं आता, और किसी भी तरीके से बैक में ये जुड़ जाता है, जो कि कुर्ती आप पहनते हो तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगता है। तो सिर्फ इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से ये काटेंगे ना, तो उस वक्त सीधा सीधा दोनों अंदर होना चाहिए। तो ये कट चुका है, तो पूरी रेडी है हमारी कट के स्लीव। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।